जी हाँ थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा यहाँ पे एक वैकेंसी ऐसी है जो अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर रही है उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है आई पीएचडी के स्कोर के बेसिस पे तो ये है सेंट्रल सिल्क बोर्ड इन्होंने एक साल पहले भी अपनी कुछ वैकेंसीज निकाली थी लेकिन इनसे हो नहीं पाया वो एग्जामिनेशन तो उसको उन्होंने वापस ले लिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इन्हें रिकमेंड किया कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप एन के आई पीएचडी का जो एंट्रेंस होता है उसके स्कोर के बेसिस पे रिक्रूटमेंट ले सकते हैं ठीक है उस स्कोर के बेसिस पे अब यहाँ पे साइंटिस्ट भी जो प्री कोकून लेवल का है वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली हैं और ये रिक्रूटमेंट आपकी होने वाली हैं आई सी आर पी एच डी दो हज़ार बाईस के स्कोर के बेसिस पे तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पी एच डी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए तो एक तीर से दो निशाने वाले बात हो जाएगी उनको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पर और ऐसे स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं भले ही उनको पीएचडी में एडमिशन नहीं चाहिए सीएसबी में अगर आपको अप्लाई करना है तो एनटीए का पीएचडी एग्जामिनेशन अपीयर करना हो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सभी कैटेगरी में एक एक वैकेंसी है अनरिजर्व में दो वैकेंसी पैथो में यहाँ पर सभी कैटेगरी में एक और अनरिजर्व में दो एंटोमोलॉजी में एस में दो ओ में दो एस में एक ई में एक और अनरिजर्व में तीन वैकेंसी है सेरिकल्चर में देखें तो सात यहाँ पर अनरिजर्व में चार ओ में तीन यहाँ पे एस में एस और ई में एक एक वैकेंसी है माइक्रोबायोलॉजी में एक एस में एक ओ में एक ई में और तीन अनरिजर्व में प्लांट फिजियोलॉजी में एक ओ में और एक अनरिजर्व में एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में सात अनरिजर्व में ई में एक एस में एक एस में एक और ओ में दो वैकेंसीज हैं एनिमल न्यूट्रिशन में एक अनरिजर्व में वैकेंसी साइंस में यहाँ पे एक एस की और एक अनरिजर्व की वैकेंसी है फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग में एक ओ की और दो अनरिजर्व की वैकेंसी है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में एक यहाँ पे ओ और एक अनरिजर्व की स्टेटिस्टिक्स में यहाँ पे एक ओबीसी की वैकेंसी है यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे तो दस एस एससी की पाँच एस की ओ की पंद्रह छः आपकी ई और तीस अनरिज़र्व की वैकेंसीज हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखें तो सिक्सटी सिक्स वैकेंसीज यहाँ पे हो जाती है इन शॉर्ट हम बात करें तो जब आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो आपके कोर ग्रुप में जितने नंबर आएंगे सभी को मिला के आपकी मेरिट बनाई जाएगी ऐसा नहीं है कि आपने एंटोमोलॉजी के लिए अप्लाई करना है तो केवल एंटोमोलॉजी का नंबर जुड़ेगा जी नहीं आपके पूरे क्रॉप साइंस सेकेंड का जो टोटल नंबर होगा सेक्शन ए बी सी तीनों का ही नंबर जुड़ने वाला है ठीक है तो आपको तीनों ही सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं अपने कोर ग्रुप के अगर आपको नहीं पता कोर ग्रुप क्या होता है तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस कोर ग्रुप में आता है आई सी में अप्लाई करने की लास्ट डेट है उन्नीस अगस्त दो तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑनलाइन सेपरेटली थ्रू सेंट्रल सिल्क बोर्ड वेबसाइट वेन डिटेल एडवर्टीजमेंट इज पब्बलिश अलॉन्ग विदिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको आई सी आर एन टी ए के लिए पी एच डी एंट्रेंस में अप्लाई कर देना है देन जब सी एस बी का ये फॉर्म आएगा तो उसको भी आपको अलग से सेपरेटली फिल करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं प्री कोकोन सेक्टर में साइंटिस्ट बी के लिए स्केल ऑफ पे है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड स्टार्टिंग सैलरी है अप टू वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है मास्टर डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो अगर आपने तीन साल की बैचलर uh, डिग्री कर रखी है तो इसीलिए बोला गया कि आप बाय डिफ़ॉल्ट टेन प्लस टू प्लस फोर सेलेक्ट कर लें उससे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अगर आप एग्रीकल्चरल साइंसेस से ग्रेजुएट हैं तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रेजुएशन है वो चार साल की होती है एज की बात करें तो मैक्सिमम एज थर्टी फाइव ईयर्स बताई गई है मिनिमम एज का कोई भी अभी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है क्रुशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज एंड क्वालिफिकेशन तो ये है इकतीस दस दो हजार बाईस इस डेट तक आपके पास मास्टर डिग्री हो जानी चाहिए और पैंतीस साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए अभी हमने केवल शॉर्ट एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करी है कि आपको अप्लाई करना है आई सी एंट्रेंस में डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आपकी सितंबर दो को रिलीज की जाएगी सी वेबसाइट पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको परेशान नहीं होना है किसी भी ब्रांच में अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है एग्रीकल्चरल साइंसेज में या फिर साइंस में प्योर साइंस में तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें जिससे कोई भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक स्वस्थ रहें मस्त रहें देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद